हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो देर न करके वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हुइच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के कौन सी पार्ट है जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील करते हैं, वो है पार्ट 15। पार्ट 15 जो है उनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो क्या बोला है, कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो वो था 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया था। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका टेन्योर कितने कितने साल का है। उनका टेन्योर है 6 ईयर्स का और 65 ईयर्स का। हुई चीवार इज अर्लियर, मतलब 6 ईयर्स और 65 ईयर्स में जो पहले आएगा वो होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर। बाई हुई अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज इज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट है जिनमें वोटिंग एज 21 से 18 18 साल कर दिया था। तो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट है, तो वो था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1988 में, वो उस एक्ट में वोटिंग एज जो है वो 21 साल से 18 साल कर दिया था। हुई आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल है जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, वो है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। और कौन सी पार्ट है, पार्ट 15। पार्ट 15 है और आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। इन इलेक्शन हुई केमिकल इज यूज ऑन वोटर्स फिंगर एज इलेक्शन इंक। तो क्या बोला है, जो इलेक्शन में जो वोटर्स फिंगर में जो इलेक्शन इंक दिया जाता है, इंक दिया जाता है वो किस केमिकल के बनते हैं, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के बनते हैं जो वोटर लिंक होता है जो उंगलियों में दिया जाता है। वर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया सिचुएटेड। तो जो इलेक्शन कमीशनर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली पर। न्यू दिल्ली पर है इलेक्शन कमीशनर का हेडक्वार्टर। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीश्नर कौन थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीश्नर कौन थे इंडिया के, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीश्नर थे। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, पहला महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, VS रामादेवी। और पहला इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, और पहला वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थे VS रामादेवी। हु वॉज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, जो वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है वो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। हु कैन रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं, तो वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं। फ्रॉम हुइच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड स्पीकर इन लोकसभा। जो स्पीकर है लोकसभा का, जो स्पीकर होता है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, इंडिया ने बोरो किया था, वो था ब्रिटेन। यूके ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन से बोरो किया था स्पीकर को, लोकसभा का जो स्पीकर होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EVM। EVM का फुल फॉर्म क्या है, EVM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो वोट में यूज होता है
वोट में जो मशीन यूज होता है ईवीएम, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। हुइच टाइप ऑफ राइट इज राइट टू वोट इन इंडिया, तो कौन सी राइट है जो राइट टू वोट इन इंडिया, वो होता है लीगल राइट। जो वोट देने के जो राइट है वो कौन सी राइट है, वो है लीगल राइट। फ्रॉम हुइच कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बॉर्डर पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो कौन सी कंट्री से इंडिया बोरो किया थे, वो था ब्रिटेन यूके। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया बोरो किए थे। हाउ मेनी आवर्स बिफोर इलेक्शन कैंपेन शुड बी स्टॉप्ड इन इंडिया, तो इलेक्शन कैंपेन जो होता है वोट से पहले वो कितने आवर्स से पहले बंद किया जाता है, वो होता है 48 आवर्स। तो 48 आवर्स से पहले इलेक्शन कैंपेन बंद किया जाता है। ऑन हुइच डे नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व, तो नेशनल वोटर्स डे है जो है नेशनल वोटर्स डे वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो होता है 25 जनवरी। और 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इन टू एग्जिस्टेंस एक आए थे, तो इसलिए नेशनल वोटर्स डे भी 25 जनवरी ऑब्जर्व किया जाता है। द इलेक्शन कमीशन नाउ कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कितने मेंबर्स से गठित है, वो होता है 3 मेंबर्स से, तीनों मेंबर से गठित है। नेम द 3 मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबर होता है, 3 मेंबर, तीनों मेंबर क्या 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 है, वो होता है 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, और 2 इलेक्शन कमिश्नर ईसी। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, टोटल हुआ 3। ड्यूरिंग इलेक्शन हु सेट द कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल होता है वो इलेक्शन के समय कौन सेट करता है, वो होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन सेट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स इलेक्शन के समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।